शिक्षण विधि, ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षण मतलब एक टीचर सिखाना चाहता है उस विधि को अपनाएगा, बच्चा जब पढ़ेगा तो उसी विधि को अपनाता है, ठीक है। ये विधि किसी CDP का नहीं है, ये किसी पर्यावरण का, किसी हिंदी का नहीं है, सब में सेम विधि होता है, समझ पा रहे हो, चाहे गणित पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो। इसलिए हिंदी के जो नोट्स दी हूँ ना उसमें भी है, ताकि हिंदी की भाषा से और सरल रूप से आप सीख सकें। क्वेश्चन कहीं से आएंगे, आपके 150 क्वेश्चन में अनिवार्य रूप से यहां से क्वेश्चन आना तय है, 5 से 6, समझ पा रहे हो। तो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा कि शिक्षण विधि की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले पढ़े कि विधि का क्रम जमाने को दे सकता है कि भाई विधि तो बहुत सारे हैं तो सबसे अच्छी विधि क्या, समझ पा रहे हो। अभी बोले दिख रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े जी अन्वेषण, एकदम ध्यान से सुनिए, अन्वेषण विधि पढ़ चुके, ऐसी विधि जिसमें डायरेक्ट बच्चे को समस्या दी जाती है, बच्चा उसको हल करता है, समझ रहे हो। अन्वेषण के बाद आता है प्रत्यक्ष विधि, समझ पा रहे हो, इसी को बोलते हो आप लोग प्रयोग विधि। जब आप किसी कार्य को खुद से करके सीख पाते हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कोई बोले कि बताइए क्या हमेशा बताइए हम क्या दो पूर्णांकों को जोड़ने पर क्या हमेशा, समझिएगा, हमेशा दो सम पूर्णांकों को जोड़ने पर सम आता है, समझ रहे हो। क्या दो पूर्णांकों के विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, सम आता है, क्या सही बोल रहा है, प्रयोग करो ना। तो प्रत्यक्ष क्वेश्चन ये है, क्या दो पूर्णांकों को हमेशा जोड़ने से सम आता है, दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो, समझ रहे हो, दो और तीन को जोड़े तो किसी भी संख्या को आप अगर मान लीजिए लगातार गिनती लिख लीजिए 2, 3, 4, 5, मान लीजिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी 4, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 3, ये तो सम नहीं है। रुको रुको रुको, मेरा बताना ये मतलब नहीं इसको जोड़ना, मैं इसको बता रही हूँ कि जब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप कोई भी लॉजिक लगाइए, जब सबसे पहले आप अपने पेन में करके नहीं देखोगे आप आंसर तक नहीं पहुंचोगे। तो ऐसे शिक्षण विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, समझ पा रहे हो। क्वेश्चन में पूछेगा कि लगातार मतलब दो सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम बनते हैं, इवन दो विषम संख्याओं को भी जोड़ने पर सम बनते हैं, ऐसे शिक्षण विधि, इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी शिक्षण विधि क्या होगा, खुद करके देख लो ना बच्चा भी। हमने कल पढ़ा गणित की प्रकृति, गणित के नेचर में पढ़ा था कि ये ऐसी विषय है जिसमें बच्चा खुद से भी मूल्यांकन कर पाता है, जोड़ के देख लो, नहीं आ रहा तो कथन गलत है, आ जा रहा तो कथन सही है। इस विधि को ही प्रत्यक्ष एवं प्रयोग विधि बोला जाता है, टेट में आया क्वेश्चन दिखा दूंगी, समझ पा रहे हो बात को, है ना। कोई भी स्टेटमेंट आएगा अगर उस स्टेटमेंट गणितीय व्यंजक से संबंधित है तो सबसे पहले आप पेन लगा के उसके अनुसार काम करेंगे फिर आंसर को सोच पाएंगे। ऐसा है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि या प्रयोग विधि, समझ पा रहे हो। अब बाकी गणित वाले नीरज सर बताएंगे ना कि होता है कि नहीं, मैं बस बता रही हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए जी आगमन विधि, आगमन विधि भी देखिए, अब कहा जाता है ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि, अरे भाई ये भी मनोवैज्ञानिक है, जब आगमन को पढ़ोगे तो ये भी है, समझ रहे हो। ये आगमन विधि सीधी सी बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटे बच्चों के लिए, पहले ठोस अनुभव वाले वस्तु को रखा जाता है ना, और उसके माध्यम से नियम निष्कर्ष तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। आप छोटे बच्चों को, आपका सिलेबस कम होता है पढ़ाने के लिए, है ना, कुछ ज्ञान तक देना रहता है तो आप उसको एकदम बढ़िया प्रयोग कीजिए। जब बड़ी कक्षा में जाओगे तो बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाना रहता है, जब आप अनुभव वस्तु को ढूंढ ढूंढ के आप ठोस अनुभव कराओगे तब सारे सिलेबस समय पर पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आगमन विधि की क्वालिटी आप लोग जानते हो कि ये पूरा मनोवैज्ञानिक है, तर्क पे आधारित है, पहले ठोस वस्तु सामने आती है उसके बाद नियम तक जाते हैं, सरल से कठिन की ओर जाता है, बच्चे को जो मालूम है, समझिएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपका सहायक शिक्षण सामग्री है, इसके बारे में रूसो नाम के मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि आपका सहायक शिक्षण सामग्री, जैसे कि उन्होंने एक कथन कहा है, कथन भी पूछ सकता है कि मतलब जो ये सहायक शिक्षण सामग्री है वो आपके ज्ञान का प्रवेश द्वार है, खिड़की है, क्या है जी, खिड़की है,
समझ रहे हो? इसकी मुख्य आधार क्या है आपके ज्ञान का, स्रोत का, आपकी इंद्रियां। कितनी इंद्रियां हैं? पांच। ये पांच इंद्रियों के सहारे आप उस अनुभव को महसूस करते हो और अपने ज्ञान में प्रवेश देते हो। समझ रहे हो? आंखों से देखे, दिमाग में पहुंचा, कानों से सोचे, दिमाग में पहुंचा। इसीलिए रूसो नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल या सहायक शिक्षण सामग्री क्या है जी, आपके दिमाग का प्रवेश द्वार है और या फिर खिड़की है, ये कथन भी आ सकता है, नोट्स में होगा, ठीक है। ये रूसो नाम के मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण बने। देखिए ये कैसे व्यक्ति थे, इनकी कथन को समझिएगा। ये बालक अवस्था में थे, इनकी अपनी माँ का देहांत हो गया था और इनकी दुनिया में दूसरी माँ आई थी और दूसरी माँ की जो शोषण थे, जो इनको प्रताड़ना थे, उससे इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने ये भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि किसी भी महिला को कभी भी पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो? लेकिन इनका इतना बेहतरीन आया कि इन्होंने पूरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आज मनोवैज्ञानिक विधि से जो आप प्रयोग कर पाते हैं, ये इन्हीं का योगदान है। समझ पा रहे हैं? तो सहायक शिक्षण सामग्री में जब इनका नाम दिखेगा ना, तो बढ़िया से टिक लगाना। समझ पा रहे हो? ये कहते हैं कि सहायक शिक्षण सामग्री वो सामग्री है जो आपके दिमाग में ज्ञान प्रवेश का एक द्वार देता है, एक प्रवेश खिड़की है, जिसमें आप पांचों इंद्रियों के माध्यम से आप ज्ञान को हासिल कर पाते हैं। आखिर में है क्या ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल? वो ठोस वस्तु, वो सहायक सामग्री जो आगमन विधि में आप पहले उदाहरण प्रस्तुत करोगे, वो खिलौना, उसके बाद नियम तक जाओगे। समझ पा रहे हो? तो इसमें सबसे पहले ठोस अनुभव से जो संबंधित लाएंगे, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहायक शिक्षण सामग्री। समझ आ रहे हो? मैं इसे क्यों बोल रही हूँ? आगमन विधि में आप बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले उनके सामने क्या करेंगे जी? उदाहरण। कैसे उदाहरण? एक ठोस अनुभव के रूप में। समझ रहे हो? जब उस उदाहरण को ही क्या कहा जाता है? सहायक शिक्षण सामग्री। मैं क्या पूछ रही हूँ कि बच्चे के सामने जब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो दुनिया का कोई भी चीज़ उठा के नहीं लाना है, आपको वही लाना है जो बच्चा आपको पहले से जान रहा था। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? अनुभव से संबंधित, वो जो पहले से आपने जान रहा था उसी तो अनुभव है। मैंने कल गोला पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है जी, और गोला में मैं किसके बात की? गेंद का। क्यों? ग्लोब ले आती, सूरज चांद उठा के ले आती, जो गोला दिख रहा है। बच्चा किसमें ज्यादा समझेगा? जो उसके अनुभव से संबंधित है। यही सहायक शिक्षण सामग्री भी कहता है कि आप उन सामग्री का प्रयोग करें जो इसको बच्चा सरल रूप से जानता है, समझता है। तो आगमन विधि को डिटेल से समझिएगा बच्चा, ठीक है। आगमन विधि में सबसे पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? उदाहरण। तो वो उदाहरण कैसा होना चाहिए? बच्चे के अनुभव से संबंधित, ठीक है। उसके दैनिक जीवन में जो उपयोगी होगा, दैनिक जीवन में जो उपयोगी होगा जी, या फिर जिससे वो जिसको पहचानता है उसी को आप प्रयोग करेंगे, और जैसे उसको देखेगा उसके रूसो के अनुसार उसके दिमाग का प्रवेश द्वार खुल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो मैं आगमन विधि का चरण दिया है, देखिए आगमन विधि एकदम। देखिए मैं आपके सामने गेंद प्रस्तुत कर रही हूँ गोला को बताने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? आओ अवलोकन करोगे। अवलोकन मतलब क्या होता है? देखना। देखोगे नहीं गेंद? क्यों लाई है मैडम, क्या बताना चाहती है? गोला भी बता दी बेटा, गोला पढ़ने के लिए हम लोग आज गेंद का प्रयोग करेंगे। लिखा है नोट्स में ध्यान देना, पहले यहाँ ध्यान दे लो, दिमाग में रहेगा तो अपने आप आएगा। पहला चीज क्या है जी? अवलोकन। अवलोकन मतलब उस वस्तु को आप देखोगे। किसको? सहायक शिक्षण सामग्री को। देखने के बाद आप निरीक्षण करोगे, अधिकारी लोग करते हैं जी निरीक्षण, मतलब उसको पूरी तरह से देखना, ऐसे गोंद को अलट पलट के देखोगे, होगा क्या? होगा निरीक्षण। और निरीक्षण करने के बाद आपको कुछ सामान्य सी बातें पता चलेगी, सामान्य सी बातें। अच्छा ऐसा है, अच्छा गोंद में जब ऐसा गोला है तो बाटी में भी तो होता है मैडम, है ना। और भी देखोगे कि कुछ चीज़ें लड्डू। अब जब आप एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, दिमाग को बढ़िया रखना। अभी वैन हिले भी पढ़ेंगे, सामान्य बातें। जब सबसे पहले मैं बच्चे को ना आगमन विधि से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आगमन विधि कहता है कि सबसे पहले आप उदाहरण लाइए। तो उदाहरण कैसे होना चाहिए? जीवन अनुभव से संबंधित, ताकि उसको सरल लगे पढ़ाई, सरल से कठिन की ओर जाने, मूर्त वस्तु से अमूर्त की ओर सोच पाए। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले उसके सामने जब मैं वस्तु रखूंगी तो अवलोकन करेगा, मतलब बच्चा खुद उसको देखेगा कि मैडम क्या लाई है।
समझ पा रहे हैं? सेकंड क्या होगा, उसका निरीक्षण करेगा कि सचमुच में वो वही चीज है कि नहीं। निरीक्षण मतलब समझ लो, उस बारीकी से उसको देखेगा, निरीक्षण मतलब एकदम बारीकी से उस समय उसका उस पर ध्यान रहेगा जी, रहेगा कि नहीं? ठीक है, आप लोग पेपर देते रहते, अधिकारी लोग आते हैं निरीक्षण करने के, सच में सही पेपर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप सामान्य सी बातें पाएंगे, कॉमन चीजें, इस सामान्य सी बातें को ही बोलते हैं नियम। क्या बोलेंगे जी? नियम, समझना। और फिर लास्ट में आप इसको क्या कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। और मतलब सबसे पहले तो आप इसको क्या करोगे, सिद्ध करोगे कि सच में सही है, प्रूफ करोगे, और उसको क्या कर पाओगे, प्रयोग। आजकल आगमन विधि से मूर्त अमूर्त न पूछ के पूछा जाता, आगमन विधि सिखाने के चरण बताइए। हमने पहले वस्तु ठोस रखेंगे, फिर वो बच्चा खुद देखेगा जिसको निरीक्षण कहते हैं, फिर उसमें कुछ सामान्य सी बातें उसको मालूम होगा जिसकी जानकारी हम लोग देना चाह रहे थे, वो क्या हो गया, नियम। फिर उसको सिद्ध करके बताएंगे, समझ पा रहे हो? तो क्या हो रहा, देखो जो देख रहा है ये वस्तु है जी, क्या है, वस्तु मूर्त से, और ये क्या है, नियम क्या है, अमूर्त है कि नहीं? ध्यान देना थोड़ा सा कि जो वस्तु है ये मूर्त है। देखो वस्तु से मतलब एकदम सरल रूप से उसको वस्तु को देख रहा है, सरल प्रक्रिया है, और लास्ट में कहाँ जा रहा है, नियम की ओर। क्या बोला गया था, विशिष्ट नियम की ओर जाना जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं? यही चीज को बोल रहे हैं कि अवलोकन मतलब वो वस्तु होगा, वो मूर्त रूप होगा, और आप उस मूर्त वस्तु से जो आप गोला का बता पाए कि गोला का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गोला का आयतन निकाले हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये अमूर्त है, दिखाई देगा क्या, गेंद आपको दिखाई देगा, वो एक प्रकार से विशिष्ट वस्तु है ना, समझ पा रहे हो?